अच्छा सर मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा था कि ऑलमोस्ट सेवेंटी फाइव ईयर्स हो गए हैं हमें आज़ाद हुए हुए तो ये जो सिस्टम है ये कैसे सेट होगा कौन सा सिस्टम okay. हम आवाम किसी हाल में खुश नहीं है महंगाई है आ, और बहुत से इश्यूज हैं यहाँ पे तो ये किस तरह आवाम को खुशहाली मिल सकती है वो एक आजादाना माहौल में आ, सांस ले सकते हैं और खुशहाल रह सकते हैं आ, कितने साल हुए हैं पाकिस्तान को आ, 75 फाइव ईयर्स सेवेंटी फाइव ईयर्स कम अज कम पच्चीस साल और ये रगड़ा लगेगा ये जो भी आवाम के हालात ख़राब होंगे पच्चीस साल और चाहिए न जानी पच्चीस साल लाइक हंड्रेड इयर्स आप एक सेंचुरी कंप्लीट करना चाह रहे हैं तारीख हमें ये बताती है कि कोई भी कौम जो है वो एक हजूम से एक रश से एक कौम बनते हुए उसे सौ साल ही लगे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को देख लें कोई भी कौम जो है ना एक सौ साल में अपने शूर के आ, अंदर दाखिल होते बहुत से लोग हैं जिनमें शौर होगा कभी शौर होगा कभी दब जाएगा कभी निकलेगा कभी लेकिन एक सौ साल में तकरीबन हंड्रेड परसेंट लोग चाहे वो मजदूर हैं चाहे वो अनपढ़ हैं चाहे बहुत पढ़े लिखे हैं जो पहले कभी मौका प्रस्त थे कुछ थे वो सब एक लाइन में आएंगे जैसे कहते हैं ना एक हिस्सा में खड़े हो गए महमूद वो अयास तो इसके लिए सौ साल चाहिए <laughs> तो ये मुझे पता है मैं आज से कई साल पहले दस एक साल पहले भी ये बात हो रही थी तो मैंने कहा था यार एक सौ साल लगेगा पता नहीं हम तो नहीं होंगे शायद इस दुनिया में लेकिन सौ साल के बाद पूरे माशरे के अंदर एक शऊर बेदार हो चुका होगा और सौ साल बाद पाकिस्तान एक बहुत आला मुमलिकत इंशाला बने यह मेरी बात याद रखना तो सर उसमें आप क्या समझते हैं कि ये सौ साल जो है ये अवाम को आजाद छोड़ देना चाहिए कि जो जिसका दिल करता है वो करे वो किस कैपेसिटी में थोड़ा सा मैं पर्सपेक्टिव जानना चाह रहा हूँ कि देखो साल मैं का तो मैं जो तुम पूछना चाह रहे हो ना मैं बहुत सारी चीजों की डिटेल में जाएंगी जी बिल्कुल अभी टाइम नहीं है ना उसकी डिटेल में अभी नहीं जा सकता मैं ये समझता हूं कि सौ साल में चाहे पाकिस्तान के कॉम के बारे में आप ये कहें ये बहुत ही इनमें शोर नहीं है वो जो थे बाहर के वो भी एंजी सारे के सारी जहालत सारी तंग नजरी पश्ती एक दूसरे से लड़ना एक दूसरे को ये आपस में ही नहीं अभी ये आपस में ही उलझ रहे हैं सर यहाँ इनके इकट्ठे होने में बस बात तो खत्म करते हैं यार इनके आपस में इकट्ठे होने में और ये एक दूसरे के साथ कुत्त कुत्तिया हो रही है ना एक दूसरे के साथ ही लड़ते रहेंगे एक सौ साल के बाद कोई पे ऐसी कोई वो अल, अलामा इकबाल का एक शेर है कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इसतराब नहीं तो ये इसतराब पैदा होगा एक सौ साल में कौन जैसी भी हो छोड़ो छोड़ भी दे ना छोड़े समझाए ना समझाए एक सौ साल कम से कम है ये लगेगा तो फिर ये ठीक होगा आज sir, का काफी है सर सर फिर एक बात सर थैंक यू थैंक यू